भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समित अंजय अश्वत्था विकर्णश्च सोमदत्थव च नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवद्गीता के पहले अध्याय का आठवाँ श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक पर चर्चा करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक को गहराई से समझ लेते हैं तो जो श्लोक है वो चालू होता है भवान भीष्मश्च कर्णश्च अर्थात आप और भीम और कर्ण फिर कृपश्च समिति अंजय अर्थात और युद्ध में विजयी कृप अश्वत्थामा विकर्णश्च अर्थात अश्वत्थामा और विकर्ण सोमदत्तस्थतव अर्थात और सोमदत्त का पुत्र तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ हो जाता है कि आप और भीष्म और कर्ण और युद्ध में विजयी कृप और अश्वत्थामा और विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र अब यदि आप गीता के जो हमारे पिछले वीडियोस हैं उन सबको देख रहे हैं तो आपको पता है कि गीता का जो ये भाग है इस भाग में दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में बातचीत हो रही है और दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को दोनों ही सेनाओं के बारे में बता रहे हैं और जो पिछले श्लोक हमने देखे वहाँ पर दुर्योधन ने जो है पांडवों की सेना के बारे में बताया और उसमें जो भी बड़े बड़े योद्धा हैं उनके बारे में बताया और पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन जो थे वो बोल रहे थे कि अब मैं जो है अपनी सेना के बारे में बताता हूँ और यहाँ पे इस श्लोक में जो है वो फिर जो कौरव सेना है उसके जो बड़े बड़े महारथी हैं उनका नाम यहाँ पे गिना रहे हैं तो उसी में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सबके नाम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं कि भवान यानी आप आप जो कि हैं द्रोणाचार्य और भीष्म और कर्ण और आचार्य कृप जो हैं वो फिर अश्वत्थामा और विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र तो इन सब के नाम यहाँ पे बता रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो योद्धा हैं जैसे भीष्म हो गए कर्ण हो गए द्रोणाचार्य हो गए अश्वत्थामा हो गए ये निश्चित ही रूप से हम देखें तो ये जो योद्धा हैं ये जो पांडव सेना के योद्धा हैं उनकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हमें देखने को मिलते हैं यदि आप देखें तो जो पांडव सेना उसमें जो मुख्य रूप से हम देखें तो अर्जुन भीम दिखते हैं दो बड़े और यहाँ पर जो है हमें इतने सारे यहाँ पे दिखते हैं तो एक तो वो हम यहाँ पे निश्चित रूप से तो देख सकते हैं कि हाँ जो कौरव आर्मी थी वो जो थी वो अधिक शक्तिशाली और बलशाली थी और यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊँ तो आप ये जो भीष्म हैं कर्ण हैं या अश्वत्थामा है इनके बारे में तो मुझे लगता है कि आप सभी जानते होंगे कि ये कौन है तो इनके बारे में और गहराई से बताने की यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है जो आचार्य कृप हैं उनके बारे में भी आप जानते होंगे कि वो जो है वो इनके कुलगुरु हुआ करते थे जो कुरु साम्राज्य उसके कुलगुरु हुआ करते थे और वो द्रोणाचार्य के आ, साले थे मुझे लगता है हाँ साले थे उनके तो आ, तो ये उसके पश्चात मैं यहाँ पे जो आपको विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि उनकी जो कथा है उनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं तो जो विकर्ण है उनके बारे में मुझे लगता है कि आप लोग जानते हो कि ये जो हैं ये कौरवों में थे और ये तीसरे पुत्र थे धृतराष्ट्र और गांधारी के तो जो पहले हो तो दुर्योधन फिर दुशासन और फिर जो तीसरे हैं वो विकर्ण हैं और जब जो कौरव कौरव कोर्ट में जब जो है ये द्रौपदी के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ था जो उस समय पर जो है विकर्ण जो थे उन्होंने दुर्योधन और दुशासन को डांटा था और कहा था कि जो आप यहाँ पे कर रहे हैं आपको ये सब नहीं करना चाहिए ये धर्म के विरुद्ध है तो उन्होंने वहाँ पर भी जो है पांडवों का साथ दिया था तो ये उस रूप में देखा जाए तो उनको एक अच्छे रूप में दिखाया गया है और जब युद्ध हुआ था तो उस समय पे भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो सभी के सभी कौरवों को कौरवों के जो सौ कौरव हैं उन सभी को मार देंगे तो युद्ध में जो है विकर्ण जो थे उन्होंने युद्ध में ये निर्णय लिया कि वो कौरवों की ओर से लड़ेंगे क्योंकि उनको लगता था कि उनके भाई हैं तो उनको अपने भाइयों का साथ देना चाहिए तो जब ये लड़ रहे थे तो उस समय युद्ध में भीष्म भीम के साथ में इनका युद्ध हुआ और भीम ने कहा कि मैं विकर्ण मैं तुमको नहीं माना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरा हमारा साथ दिया था परंतु उस समय विकर्ण बोलते हैं कि नहीं उस समय मैं धर्म का साथ मैंने वहाँ पर दिया था और इस समय मैं धर्म मेरा धर्म जो है वो ये कि मैं अपने भाई के साथ में और अपने परिवार की ओर से लड़ूँ तो तब जो है ये भीम से लड़ते हैं और भीम इनको मार देते हैं तो ये जो कथा है विकर्ण की ये कथा कुछ एक शिक्षा देती है हमें यदि आप रामायण देखें तो वहाँ पर भी जो कुंभकर्ण है उनकी भी यही कथा है कि वो भी जो है रावण को रावण पे गुस्सा होते हैं और रावण पे क्रोध करते हैं और कहते हैं कि तुमको सीता को नहीं लेके आना चाहिए परंतु तो फिर वो रावण की ओर से ही लड़ते हैं और तब राम के हाथों तो मारे जाते हैं उसी रूप में यहाँ पे विकर्ण की ये कथा है कि उन्होंने भी जो है अपने भाई दुर्योधन को बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था परंतु तो फिर युद्ध जो है उन्होंने उसकी ओर से ही करा और फिर युद्ध में मारे गए तो यहाँ पर जो सीख हमें मिलती है वो ये है कि Uh, आपको जो है धर्म का साथ देना चाहिए ना कि अपने परिवार का साथ अर्थात धर्म आपको ऐसा लग सकता है कि जो धर्म है वो अपने परिवार की रक्षा करने में है परंतु कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो परिवार है वो धर्म की ओर ना हो वो कुछ अधर्म कर रहा हो तो उस समय पे आपको अपने परिवार से दूर हट जाना चाहिए और धर्म की ओर चले जाना चाहिए यदि आप उस समय भी अधर्म की uh, उस समय पर अपने परिवार का साथ देंगे तो आप अधर्म की के साथ हो जाएंगे उसी का एक और पैरल जो हम देखते हैं वो दोनों ही कथाओं में रामायण और महाभारत में वही है जैसे रामायण में जो है विभीषण का नाम है विभीषण जो होता है वो अपने परिवार से दूर चले जाते हैं और धर्म की ओर चले जाते हैं उसी रूप से यदि आप इसको देखते हैं महाभारत को देखते हैं तो महाभारत में भी युत्सु करके हैं जो कि जो है कौरवों की ओर होते हैं परंतु वो भी निर्णय लेते हैं कि वो पांडवों की ओर से लड़ेंगे तो वो फिर से जो है धर्म की ओर चले गए तो वो एक और कथा है जो कि हमें समझनी चाहिए यहाँ पे अच्छा जो अगला है वो है सोमदत्त का पुत्र तो जो सोमदत्त के पुत्र हैं वो हैं भुरी श्रवस और भुरी श्रवश जो हैं ये कौरव की ओर से लड़े थे और ये जो है देखा जाए तो ये भी इनका भी जो है यादव परिवार से संबंध है क्योंकि इनके जो दादा थे वो देवकी के स्वयंवर में गए थे यहाँ पर कि वसुदेव जो थे वो देवकी के साथ विवाह कर पाए थे तो इनका भी जो है यादव कुल से थोड़ा संबंध है और ये जब युद्ध कर रहे होते थे, तो इनकी भी एक अच्छी कथा है महाभारत के युद्ध में कि ये जो है ये सत्याकी से लड़ते हैं सत्याकी जैसे हमने पहले देखा यू युधान जो पिछले श्लोकों में मैंने बताया आपको तो ये सत्याकी से लड़ते हैं सत्याकी जो है वो इस इनसे लड़ने से पहले गुरु द्रोणाचार्य से लड़ रहे होते हैं इस कारण से थक गए होते हैं तो जब वो फिर भूरी श्रवस से लड़ते हैं तो भूरी श्रवस जो है उन दोनों के साथ में शस्त्रों से लड़ते हैं पहले परन्तु तो फिर दोनों के शस्त्र जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तो फिर वो हाथों से लड़ाई करते हैं और क्योंकि सत्या की थके हुए होते हैं तो इसलिए भूरी श्रवस जो है वो उन पर हावी हो जाते हैं और अंत में वो एक तलवार कहीं से तो उठाते हैं और उससे जो है सत्याकी का सिर काटने वाले होते हैं परंतु उसी समय पर अर्जुन आ जाते हैं और अर्जुन अपने तीर से भुरी शवस जो हैं उनके उनका हाथ काट देते हैं तो ये देखकर फिर भुरी शवस जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया मैं तुमसे नहीं लड़ रहा था तुमने फिर मुझको मुझ पर हमला क्यों किया तो उस समय फिर अर्जुन बोलते हैं कि तुम एक निहत्ते सत्याकी का सिर काटने का प्रयास कर रहे थे इस कारण से जो है मैंने तुम पर आक्रमण किया और दूसरा ये कि तुमने जो है अभिमन्यु के साथ में भी युद्ध किया था वो भी उस समय निहत्ता ही मारा गया था तो क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो इस कारण से जो है मैंने तुम पर यहाँ पर आक्रमण किया तो ये सुनकर फिर बुरी शवस जो होते हैं वो दुखी हो जाते हैं उनको लगता है कि वो गलत काम कर रहे थे और इस कारण से वो फिर ध्यान में बैठ जाते हैं और जब वो ध्यान में बैठते हैं तब सत्या है की जो है उनकी ही तलवार को उठाकर उनका सिर काट देते हैं तो यहाँ पर भी हमें कुछ सीख देखने को मिलती है एक तो ये कि धर्म जो है वो ये कहता है कि जो निहत्ता है उस पर आपको शस्त्र से आक्रमण नहीं करना चाहिए पहला तो ये और दूसरा ये कि यदि आप अधर्म करते हैं तो उसका फल आपको तुरंत ही मिल जाता है तो जैसे वो अधर्म कर रहे थे तो फिर वो निहत्ते को तलवार से मारने जा रहे थे परंतु बाद में हुआ यही कि तुरंत ही जो है किसी और ने उन पर जो है तलवार से उनका काट दिया ये इस प्रकार की एक कथा है जो कि यहाँ आप पे आपको बतानी चाहिए अब यही है कि फिर जो सत्यागी करते हैं वो भी ठीक नहीं था और इस बात पर फिर लोग जो हैं सत्याग को भी बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया और जब आप महाभारत में आगे देखेंगे तो जब यादव कुल का नाश होता है तो उस समय पर भी जो है सत्यागी को जो उन्होंने अपने बुरे कर्म यहाँ पर किया था उसका फल वहाँ पर उनको मिल जाता है तो ये ऐसी छोटी छोटी छु कथा कथाएँ हैं जो कि जब हम समझते हैं तो फिर गीता को हम और भी गहराई से समझ पाते हैं चलिए आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा यहीं पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ नमस्ते